हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीट कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे, क्वेश्चन 623, ऐड वन रो टू ट्री। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन में ये है कि हमें इनपुट में रूट दे रखा है एक बाइनरी ट्री का, ठीक है, एंड हमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं, एक इंटीजर का नाम है वैल एंड एक इंटीजर का नाम है डेप्थ। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जो मेरे को डेप्थ दे रखी है उस डेप्थ पे मेरे को एक रो क्रिएट करनी है, एंड उस रो में जो मेरे एलिमेंट्स होंगे या जो मेरे नोड्स होंगे उनकी वैल्यू मुझे सेट कर देनी है वैल नाम से, जो भी मेरे को दी होगी क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि जो मेरे रूट है ना उसके डेप्थ जो है वो वन होगी, यानी मेरी डेप्थ जो स्टार्ट होगी वो होगी वन से, फिर वन टू थ्री ऐसे करके नीचे नीचे तक जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर मेरे को कुछ एडिंग के रूल्स दे रखे हैं जिनको मुझे फॉलो करना है। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या है, गिवन द इंटीजर डेप्थ फॉर ईच नॉट ऑल ट्री करेंट डेप्थ डेप्थ माइनस वन। ठीक है, तो हमें ये बेसिकली ये बोल रहा है कि जो आप वैल्यू ऐड करोगे उसमें करंट की जो लेफ्ट सब ट्री है उसको भी ऐड करना है, एंड जो राइट सब ट्री है उसको भी ऐड करना है दोनों में। ठीक है, उसके बाद जो है नई वाली जो नोड क्रिएट हो जाएगी उस नई वाली नोड का जो लेफ्ट सब ट्री बनेगा वो बनेगा मेरा वो वाला जो कि पहले था, जो कि डेप्थ माइनस वन पर जो नोड रही होगी उसका था, एंड सिमिलरली राइट वाला भी मुझे वैसे रख देना है। मतलब ये है कि जब आप नई नोड को ऐड कर रहे हो ना तो उसका जो पहले वाली नोड का जो लेफ्ट वाला पार्ट था और जो राइट वाला पार्ट था उसको प्रिजर्व करके रखना है। एंड ये वाला केस मेरे को दे रखा है कि अगर मेरे पास डेप्थ वन है, मतलब अगर मेरे पास जो मेरे को वैल्यू ऐड करनी है वो मेरे को रूट पे करनी है, ठीक है, तो उस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक नई नोड बनानी है और उसका वैल्यू रख देनी है उसमें, और उस नई नोड जो मैं बना रहा हूँ ठीक है उसके लेफ्ट वाले पार्ट में मेरे को वो जो पहले वाला रूट था उसको ऐड कर देना है। तो जैसे अगर मैं इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ, ठीक है, तो ये मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में इनपुट की वैल्यू, तो इस क्वेश्चन में मेरे को डेप्थ वैल्यू दे रखी है वन जो मेरे को ऐड करनी है, एंड डेप्थ दे रखा है मेरे को टू है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन में लिखा था कि मेरी जो रूट नोड है उसकी डेप्थ जो है वो स्टार्ट हो रही है वन से, तो ये हो जाएगी मेरी डेप्थ वन, ठीक है, ये हो जाएगी मेरी डेप्थ टू, एंड ये हो जाएगी थर्ड वाली डेप्थ। ठीक है, तो मेरे को सेकेंड डेप्थ पर ऐड करना है, यानी कि ये वाला मेरे को ऐड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने करा क्या, यहाँ पर मेरे को अभी इनिशियली टू एंड सिक्स मिल रहा है ना, तो मैं गया सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका नाम हो जाएगा मेरा करंट डेप्थ। ठीक है, करंट डेप्थ को मैं सेट कर देता हूँ वन से, जीरो पे मैं क्यों नहीं सेट कर रहा, क्योंकि जीरो तो डेप्थ होगी नहीं ना, वन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो करंट डेप्थ होगी मेरी वन, फिर मैं गया रूट पर, ठीक है, रूट पर थी मेरी डेप्थ वन। ठीक है, तो फिर मैं बढ़ गया आगे, ठीक है, मैं यहाँ पर कॉल्स मारूंगा रिकर्सिव कॉल्स, एक लेफ्ट के लिए एक राइट के लिए, फिर मैं चला गया इधर, और मेरे को तब तक जाना है जब तक मेरी जो है करंट डेप्थ जो है करंट डेप्थ मेरी डेप्थ माइनस वन ना हो जाए। ठीक है, मेरे को तब तक जाना है, क्योंकि जो मेरे को डेप्थ दे रखी है क्वेश्चन में, जो मेरे को डेप्थ दे रखी है उससे एक डेप्थ पीछे वाली जो नोड्स होंगी मेरे को उसमें वैल्यू ऐड करनी है ना, वहाँ पर एक नई रो क्रिएट करनी है। तो जैसे इस केस में मेरे को डेप्थ दे रखी है टू, ठीक है, यानी कि इधर मेरे को अपनी एक नई नोड क्रिएट करनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ बेसिकली, यहाँ पे जैसे मेरा ये फोर है ना, फोर की जो डेप्थ है वो आ रही है मेरी वन, उसके बाद मैं गया यहाँ पे आगे, ठीक है, मेरे को डेप्थ मिल गई टू, तो यानी मेरे को यहाँ पे ऐड कर देनी है अपनी न्यू वैल्यूज़ को जो कि है वन, तो मैं यहाँ पे एक वन ऐड कर दूंगा, जो मेरी रूट दी होगी उसके लेफ्ट में वन ऐड कर दूंगा, उसके राइट पे ऐड कर दूंगा, एंड जो मेरी बाकी की जो रिमेनिंग है उसको मेरे को प्रिजर्व करके रखना है। ठीक है, तो इस वन के जो लेफ्ट में वैल्यू आ जाएगी वो फिर आ जाएगी टू, एंड इस वन के जो राइट पे वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी सिक्स, जो कि प्रीवियस नोट्स होंगी, और इस टू के जो लेफ्ट में आ जाएगी वैल्यू थ्री, एंड राइट में आ जाएगी वैल्यू फोर वन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे मेरे को उन वैल्यूज़ को प्रिजर्व करके रखना है, ये जो दो पॉइंट्स हैं। अब जो वो वाला केस था कि मेरे को वन पे करना है, यहाँ पे ये वाला केस जो था कि अगर मेरे को डेप्थ वन दे रखी है यानी मेरे को रूट पे करनी है सेट। ठीक है, तो अगर मेरे को कुछ ऐसे ही दे रखे कि यहाँ पे मेरा होता फोर, ठीक है, यहाँ पे लेट से थ्री होता, एंड यहाँ पे होता मेरा टू, और मेरे को जो वैल्यू ऐड करनी है वो लेट से मेरे को ऐड करनी है फाइव, और डेप्थ मेरे को दे रखे वन यानी मेरे को वन में ऐड करनी है, तो वो मैं कैसे कर सकता था, मेरे को एक नई रूट क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक नई रूट क्रिएट कर दी जिसका नाम मैंने रख दिया फाइव, एंड इस रूट के मेरे को लेफ्ट पे ऐड करना है अपनी प्रीवियस वाली रूट जो कि थी फोर, तो यहाँ पे मैंने कर दिया ऐड फोर, एंड इसके साथ साथ बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं वो भी अपने आप ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऐड हो गया मेरा फाइव, एंड यहाँ पे ऐड हो गया टू। उसके बाद ये वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे को डेप्थ दे रखी है थ्री, यानी कि पहले मैं जाऊँगा फर्स्ट डेप्थ पे, ठीक है, फिर मैं जाऊँगा सेकेंड डेप्थ पे, अब मैं जैसे ही सेकेंड डेप्थ पे गया मेरा ये वाला फॉर्मूला हो गया वैलिड।
ये वाला फॉर्मूला में मैंने रीच कर दिया कि मेरी जो करंट डेप्थ है वो डेप्थ माइनस वन है, ठीक है। तो डेप्थ मेरी दे रखी है 3 n 3 - 1 विच इज़ 2, तो मैं चला गया सेकेंड डेप्थ पे। ये जो मेरा सेकेंड डेप्थ है जो कि इस वैल्यू है 2, इसके लेफ्ट मैंने ऐड कर दिया अपनी वैल्यू 1, ठीक है। राइट में मैंने ऐड कर दिया अपनी वैल्यू 1, एंड इन दोनों के जो लेफ्ट में है उसके लिए मेरे को रिकर्सिव कॉल्स लगा देनी है जिसमें 3 n 1 भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले तो वो वाला केस जिसमें मेरी जो डेप्थ है वो हो गई 1, ठीक है। तो अगर मेरी डेप्थ यहाँ पे 1 आ जाती है तो मेरे को क्या करना है, एक नई रूट बनानी थी, है ना। तो मैं यहाँ पे एक नई रूट बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ टेम्प, और इसमें जो वैल्यू ऐड होगी वो होगी वैल, ठीक है। और सिंपली क्या कर देना है, इस टेम्प के जो लेफ्ट है वहाँ पर रूट डाल दो, क्योंकि मेरे को लेफ्ट वाली साइड डालनी है रूट, है ना। यहाँ पे देखो लेफ्ट सब ट्री, ठीक है। और अपनी रूट को कर दो रिटर्न। रूट को नहीं करूँगा मैं, करूँगा टेम्प को, क्योंकि अब जो मेरी नई वाली रूट होगी ना वो तो टेम्प होगी ना, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक करेंट डेप्थ बना लेता हूँ, करेंट डेप्थ हो जाएगा मेरा 1, एंड एक रिकर्सिव फंक्शन बना लेता हूँ मैं यहाँ पर जिसको मैं करूँगा रिटर्न, ठीक है। इसमें मैं अपनी रूट पास करा देता हूँ, वैल पास करा देता हूँ, ठीक है। डेप्थ भी पास करा देता हूँ, एंड एक एक करेंट डेप्थ भी पास करा देता हूँ, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर इस फंक्शन को क्रिएट कर देता हूँ जल्दी से। सॉल्व, एंड इसमें ये सारी आर्ग्यूमेंट्स पास करा देता हूँ, एंड एक यहाँ पे करेंट डेप्थ भी पास हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है तो इसमें एक होगा मेरा बेस केस। बेस केस क्या हो सकता है कि अगर मेरा रूट जो है वो हो गया नल, यानी मैं उसके ना लेफ्ट में कोई ट्री है ना राइट में कोई ट्री है, तो मैं उसमें सिंपली नल रिटर्न करा दूंगा, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, मेरे को तब तक ट्रैवर्स करना है जब तक मेरी करंट डेप्थ जो है वो डेप्थ माइनस वन के इक्वल ना हो जाए, यानी कि जिस लेवल पे मेरे को अपनी ये वैल्यू सेट करनी है ना, मैं उससे एक लेवल पीछे जा रहा हूँ, है ना। क्योंकि उससे एक लेवल पीछे जो नोड नो उससे एक लेवल पीछे जो रूट होगी या उससे एक लेवल पीछे जो नोड होगी उसके लेफ्ट में या राइट में मेरे को वैल्यूज़ को ऐड करना है, ठीक है। तो अगर मेरा जो करंट डेप्थ है वो इज इक्वल टू, डेप्थ माइनस वन हो जाए, ठीक है। तो उस केस में मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, जैसे मेरे को यहाँ पे ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है, इस सेकंड वाले में मेरे को ऐड करना है, ठीक है। तो ये 3 n 1 यानी इस नोड का जो लेफ्ट वाला पार्ट है और जो इस नोड का जो राइट वाला पार्ट है, ठीक है, इसको मैं कहीं स्टोर कर लूँगा, क्योंकि मेरे को ये लिंक्स को ब्रेक करना है ना, तो उससे पहले मेरे को इनको स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बना दिया लेफ्ट पार्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा इस रूट का लेफ्ट, ठीक है। सिमिलरली इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं बना दूंगा राइट पाथ, एंड यहाँ पे आ जाएगा मेरा रूट का राइट, ठीक है। अब मैंने उन दोनों को कर लिया कॉपी। अब मेरे को क्या करना है, रूट का जो लेफ्ट होगा उसमें मेरे को एक नई नोड क्रिएट करनी है, एंड इसमें वो वैल्यू डाल दूंगा मैं, ठीक है। सिमिलरली मेरे को क्रिएट करना है रूट के राइट के लिए, एंड उसमें भी सेम वैल्यू आ जाएगी, तो वो भी मैंने डाल दी, ठीक है। अब उसके बाद तुम क्या करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर इन दोनों 1 1 मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसमें मेरे को ये जो प्रीवियस लेफ्ट वाला पार्ट था वो ऐड कर देना, एंड इस वाले 1 में मेरे को राइट वाला पार्ट जो था वो ऐड कर देना, ठीक है। यानी कि रूट का जो मेरा लेफ्ट होगा उसके लेफ्ट में मेरे को लेफ्ट वाला पार्ट ऐड कर देना, ठीक है। तो वो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। सिमिलरली रूट का जो राइट वाला पार्ट था मेरा उसके राइट में मैंने राइट पार्ट ऐड कर दिया, ठीक है। और रिटर्न कर देता हूँ मैं नोड, ठीक है। अब मैं मारूंगा यहाँ पर रिकर्सिव कॉल्स, तो यहाँ पे 2 रिकर्सिव कॉल होगी, फॉर लेफ्ट एंड राइट,
पार्ट। ठीक है, तो लेफ्ट के लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तो रूट का जो लेफ्ट हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा सॉल्व। इसमें मैं पास कर दूंगा रूट का लेफ्ट, ठीक है, वैल्यूम वही रहेगी, डेप्थ वही रहेगी, बट जो मेरी करंट डेप्थ है वो हो जाएगी +1। सिमिलरली रूट का जो मेरा राइट वाला पार्ट होगा उसमें मैं कर देता हूँ सॉल्व, इसमें मैं पास कर देता हूँ रूट का राइट, वैल्यू मेरी वही रहेगी, डेप्थ भी वही रहेगी एंड करंट डेप्थ भी मेरी +1 हो जाएगी। यहाँ पे कर देता हूँ मैं +1, ठीक है, और रिटर्न कर दिया मैंने रूट को, एंड इसको कर देते हैं रन। ठीक है, तो कुछ एरर आ रहा है यहाँ पे, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी। एक्सेप्टेड हो गया, रन टाइम आया 0 मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो ये सबमिटेड भी हो गया है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन, ठीक है, एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी आएगी। देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैं यहाँ पे कुछ यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है, एक्स्ट्रा स्पेस में कुछ यूज़ नहीं कर रहा, ऑक्सिलरी स्पेस में कुछ यूज़ नहीं कर रहा यहाँ पे, तो वो तो ओ ऑफ वन होगी। बट क्योंकि मैं यहाँ पर रिकर्सिव फंक्शंस का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी जो रिकर्सिव कॉल स्टैक होगी जो कि सिस्टम की होगी, ठीक है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो आएगी ओ ऑफ एन। सो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।